चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। अनुसूचित जात जनजात आदिवासी लोग गरीब लोगों के खिलाफ शोषण को हम कतई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। झकझोर करके देश को रख दिया जिन तस्वीरों ने, उन तस्वीरों को दबाए बैठी थी सरकार। रास्ता तो बहुत कठिन है लेकिन ये इंडिया की तस्वीर बन रही है। चंद्रयान जारी कर रहे हैं, उसको संचालित कर रहे हैं और दूसरे ओर हमारे देश में, देश की राजधानी में, देश के कोने कोने में आज भी मजबूरी वश हाथ से मैला ढोने की प्रक्रिया चलती है। आज देश की राजधानी इस तपती गर्मी में यहाँ जंतर मंतर पे आज अपने संसद भवन के समीप इतनी बड़ी तादाद और संख्या में आप लोग आए हो। चंद्रशेखर आजाद जी के साथ मैंने बहुत समय बिताया है और आपके संबंध में वो लगातार बात करते रहते कि मेरे बहुजन समाज के लोगों की क्या हालत है। लेकिन आज मैंने महसूस किया कि जितना प्यार वो आपसे करते होंगे उससे 10 गुना ज्यादा प्यार आप चंद्रशेखर आजाद से करते हो। मैं इस मंच पे बहुत अनुभवी, बहुत सीनियर विभिन्न दल के नेता हैं, मैं उनका अभिवादन करता हूं। एक सभ्य समाज में हर नागरिक की जिम्मेदारी होती है कि वे अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहेगा, सजग रहेगा और उनकी रक्षा करेगा। लेकिन सभ्य समाज को नेतृत्व की भी जरूरत होती है। याद करो, अगर इस देश के धरती पे गांधी जी नहीं पैदा हुए होते तो देश आजाद नहीं होता। अगर सरदार पटेल का नेतृत्व हमें नहीं मिला होता तो आजाद होने के बाद भी देश के 100 टुकड़े होते। अगर ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ना होती तो देश में आपका समाज शिक्षा के प्रति सजग और सक्रिय ना हुआ होता। अगर बाबा साहब अंबेडकर जी ना होते तो देश में लोकतंत्र और लोकतंत्र के और संविधान के माध्यम से दिए गए अधिकार, उन अधिकारों से आपको वंचित रखा गया होता। अगर चौधरी चरण सिंह जी ना होते तो देश के झोपड़पट्टी में रहने वाला, खेत में मेहनत करने वाला किसान और मजदूर वे कभी ये सपना नहीं देखता कि देश की राजधानी हमारी है और देश के मुख्यधारा में हम अपनी गिनती बना सकते। इतना शानदार, इतना लाजवाब नेतृत्व ये देश के इतिहास में आपने बनते देखा है। और बनते देखा ही नहीं, आपने खुद अपने मेहनत से, अपने हाथों से उसे कमाने का काम किया और बनाने का और मजबूत करने का काम किया। आज फिर वही घड़ी आ गई। आज भी देश में नौजवान वर्ग के अंदर जो देश के संविधान को मानते हैं, हम सब के अंदर महात्मा गांधी जी विराजमान है, हम सब के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी विराजमान है, हम सब के अंदर सरदार पटेल और चौधरी चरण सिंह जी जैसा फौलादी इरादा मौजूद है। बस हमें अपने उस ताकत को और शक्तियों को याद रखना है। बिल्कुल ठीक कहा दीपिंदर भाई ने, चंद्रशेखर आजाद आज संसद के बाहर आपके साथ हर कदम में कदम मिलाकर संघर्ष कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो वक्त दूर नहीं है, क्योंकि मैंने बात नेतृत्व की नेताओं को पहचानने और उनको मजबूत करने की बात आपके बीच कही है, वे घड़ी दूर नहीं है कि आज जो व्यक्ति संसद के बाहर है वे संसद की उस दीवारों के अंदर होंगे और आपके हक और हकूक की लड़ाई लड़ेंगे। 2024 में कितने दिन बाकी हैं उन्हें गिनना शुरू करो। उल्टी गिनती चालू है उन लोगों की जो देश के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो देश में समाज के अलग लोगों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मणिपुर की घटना कोई छोटी घटना नहीं। इस देश में एक वो भीड़ है जो बाबा साहब अमर रहे, जय भीम, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, जय किसान, जय नौजवान का नारा ले रहे हैं। और एक दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी भीड़ देश में बनती हमने देखी है
जिसके हाथों कोई मजबूर मजदूर गरीब वंचित समाज का व्यक्ति उनके हाथ लग जाता है, कोई अल्पसंख्यक उनके हाथ लग जाता है, कभी खान पान को लेकर, कभी बोल भाषा को लेकर, कभी धर्म को लेके, कभी जाति को लेके, कभी लिंग भेद को लेकर बहाना बनाकर भीड़ के हाथों हत्याएं हो रही है। मणिपुर एक और उदाहरण है। मणिपुर कोई साधारण अपराध नहीं हुआ है। आज अखबारों में आपने पढ़ा होगा, जिस व्यक्ति ने देश के लिए कारगिल में लड़ाई लड़ी, युद्ध लड़ा, इतना बड़ा संघर्ष किया, कुर्बानियां दी, आज उसके घर की महिला की आबरू को खुला लूटा गया है। और ये घटना 77-78 दिन पहले की है। ये देश की आबरू जाग रही है। झकझोर करके देश को रख दिया जिन तस्वीरों ने, उन तस्वीरों को दबाए बैठी थी सरकार, जानबूझकर केंद्र की सरकार हो या मणिपुर राज में चालित सरकार हो, दोनों ने मिलकर साजिश रची कि ये तस्वीरें दुनिया में ना जा पाए ताकि हमारा राजनीतिक विरोध ना हो पाए। हमने भीड़ के हाथों हत्याएं होती देखी, लेकिन आज एक स्वर में हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसे अपराधों को, ऐसे हिंसक वारदातों को, अनुसूचित जात जनजात आदिवासी लोग गरीब लोगों के खिलाफ शोषण को हम कतई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हमारे चंद्रशेखर भाई पे भी हमला हुआ, बहादुर हैं, शरीर से भी मजबूत है और दिल भी इनका मजबूत है और इरादा भी मजबूत। मैंने उनसे उसके बाद बातचीत की और मुझे बातचीत करके उन्होंने एहसास ही नहीं होने दिया कि उन्हें गोली लगी और चोट लगी, जैसे कोई मामूली रोज की हमारी बातचीत हो, उसी अंदाज से मुझसे बात कर रहे थे कि नहीं भाई कुछ नहीं। तो ये उनकी हिम्मत है, मैं दाद देता हूं। आज आप सब यहाँ बड़ी भीड़ में आए हो, आपकी मांग है कि वो जो वारदात है वो मामूली वारदात नहीं, वे हमला सिर्फ चंद्रशेखर पे नहीं, वो आपको शांत करने के लिए और भयभीत करने के लिए वो हमला रचा गया है। वे गोली नहीं चलाई गई है, वह आपको देश के, आप कभी साहस ना जुटा पाओ कि देश की राजधानी में इस तरह से आप आओ, आप कभी हिम्मत ना जुटा पाओ कि आप सोचो कि हमारे बीच का कोई व्यक्ति सांसद और विधायक बन सकता है। आपके समाज का एक व्यक्ति पढ़ा था, उन्होंने संविधान लिख दिया, जिस दिन आपकी जो बड़ी आबादी पढ़ लिख लेगी, शिक्षा से जुड़ जाएगी, तो दुनिया को आप दिखा दोगे कि असली नेतृत्व क्या होता है। ये जो हमला हुआ था, आपको सामान्य शिक्षा व्यवस्था जिसकी मांग आप करते हो, बराबरी की मांग आप करते हो, आपके मुंह पे पट्टी बांधने का प्रयास है, लेकिन हमें और आपको पीछे नहीं हटना। मैं आपके साथ हूं, उस वारदात की पूरी सीबीआई जांच होनी चाहिए, पूरा खुलासा होना चाहिए, कौन लोग षड्यंत्रकारी थे। ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि चार नौजवान एक दिन सुबह उठे और उन्होंने हथियार लिए और जाके सीधा गोली मार दी, नहीं है। पहले इसकी रचना कहीं और हुई है, इसकी रचना संरचना दिल्ली के बड़े और लखनऊ के बड़े राजनीतिक गलियारों में हुई है और उसके बाद यह वारदात को अंजाम देने के लिए वो चार नौजवानों को खड़ा किया गया है। तो इसलिए इस मांग का पुरजोर समर्थन करता हूं। संसद का सत्र चालू है और जैसा दीपेंद्र भाई ने कहा, हम लोग मिलकर रणनीति बनाएंगे। विभिन्न सांसद यहां आपके बीच आए हैं, अपने दल का समर्थन दे रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि संसद के उन दीवारों के अंदर भी आज जो जंतर मंत्र से आपने पुकार ली है, आज जो आपकी आवाज है, उसको बुलंदी से उस बात को हम वहां संसद में रखने का काम करेंगे। और बाकी रास्ता तो बहुत कठिन है, लेकिन ये इंडिया की तस्वीर बन रही है, ये आधुनिक भारत की तस्वीर बन रही है। और जब इंडिया जीतेगा तो भारत भी जीतेगा, तो देश के, भारत के किसान मजदूर की जीत होगी। जो नौजवान आज नौकरी मांग रहा है, जो महिला शोषण के खिलाफ आवाज उठा रही हैं, उनकी जीत भी तब होगी
जब इंडिया की जीत 2024 में हमारे भाई और बहनों के हाथों से या आपके हाथों से और प्रयासों से दर्ज हो जाएगी। तो कमर कस लो, लड़ाई बहुत कैड़ी है। आप देखें क्या व्यवस्था, पूरी व्यवस्था के खिलाफ आपको लड़ना होगा। जिस देश में चंद्रयान की हम कल्पना कर रहे हैं, चंद्रयान जब हुआ तो हमने तालियां बजाई, बजनी भी चाहिए, मैं भी मानता हूं कि देश में जब वैज्ञानिक के हाथों में संसाधन दिए जाएंगे तो अगली पीढ़ी को तैयार किया जाएगा कैसे लड़ना है, उनके हाथ में औजार दिए जाएंगे, मैं भी उस बात का स्वागत करता हूं। लेकिन एक तरफ हम चंद्रयान जारी कर रहे हैं, उसको संचालित कर रहे हैं, और दूसरे ओर हमारे देश में, देश की राजधानी में, देश के कोने कोने में आज भी मजबूरी वश हाथ से मैला ढोने की प्रक्रिया चलती है। हम कोई मशीन नहीं बना पाए जो 20 फुट नीचे खोद के वह जो मैला है, जो गंदगी है वो निकाल ले। आज भी मजदूर को ठेकेदारी के प्रथा के तहत रखा जाता है और मजबूर किया जाता है कि तो नीचे उतर और समाज की गंदगी को अपने हाथों से साफ कर। क्या ये आप, हम और आप बर्दाश्त कर सकते हैं? इसलिए चंद्रयान है, हम ताली बजाते हैं, लेकिन ऐसे ये अपराध है क्योंकि देश की संसद ने 2013 में कानून बना दिया और पूरा प्रतिबंध लगा दिया। ये हमारे संविधान के खिलाफ है, जीवन के मौलिक अधिकार के खिलाफ है, और इसलिए ये एक उदाहरण है कि कितनी लंबी हमें और आपको मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। लोकतंत्र के माध्यम से लड़ी जाएगी, ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से लड़ी जाएगी। मुझे संसद में 2:30 बजे तक पहुंचना है। मुझे दीपेंद्र भाई को मैंने एक निजी विधेयक पेश किया है जिसमें प्रस्ताव किया है कि 21 साल की उम्र में, यहाँ 21 साल की उम्र के कितने नौजवान है बताओ, हाथ खड़ा करो, 21 साल के कितने हैं? तुम क्या चुनाव लड़ना चाहते हो, विधायक बनना चाहते हो, सांसद बनना चाहते हो? तो उसी प्रस्ताव को आज संसद में रखने का मुझे मौका मिलेगा। अगर संसद चलेगी तो उस पर चर्चा होनी है, इसलिए मैं आपसे आज्ञा मांगता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि यहां जो भी फैसला होगा, बहुत हमारे समाज के जिन्होंने बड़े बड़े आंदोलन किए सारे नेता मौजूद। बहुत अच्छी बात रखी आदरणीय जैन।